देवास पुलिस ने भूमाफिया और ड्रग माफियाओं के साथ अब सूदखोरों पर भी नकेल कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में पुलिस एक ऐसे सूदखोर को गिरफ्तार किया है जो ऊंची ब्याज दर में रुपए देकर लोगों के घर और वाहनों पर अवैध रूप से अपना कब्जा कर लेता था। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी से 25 लाख रुपए की मशरूका सहित 30 दोपहिया वाहन बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिव दयाल ने पत्रकार वार्ता में सूदखोरों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी दी। हमने लगभग एक दर्जन मामले सूदखोरी के पिछले एक डेढ़ माह में दर्ज किए हैं। कुछ लोगों को हमने संपत्तियां वापस करवाई हैं, कुछ लोगों की प्रक्रिया भी जारी है। एक सबसे बड़ा मामला है जिसमें हम बड़ी मात्रा में गाड़ियां और संपत्ति वापस लौटा रहे हैं। देवास जिले में लगातार माफिया, रेत माफिया, नशा में नशे के कारोबार को लेकर माफिया है, उनके विरुद्ध कार्रवाई चल रही है। इसमें उन लोगों की संपत्ति जब्त की जा रही है, असली मालिकों को वापस लौटाई जा रही है, साथ के साथ में उनके ऊपर आर्थिक कमर कैसे तोड़ी जाए इस चीज की व्यवस्था भी की। देखिए, अपराध से कमाई हुई संपत्ति और अपराध भूमाफिया के द्वारा और विभिन्न तरह के क्राइम अगेंस्ट विमेन में, विभिन्न तरह के नशा में, जुआ सट्टे से कमाई हुई जो संपत्ति होती है उसको भी नष्ट किया जा रहा है ताकि उनकी आर्थिक रूप से उनकी कवर हो जा सके और अपराध को पूरी तरह से खत्म करना है।